से एक और अनुबीज निकलेगा तो अभी भाई दो है और ये भी अंडा मैंने यहाँ टाइम रखवाया था मेरे पास एक और अंडा, अंडा भी भी तो लगभग दो अनुबीज हो चुके हैं तो अभी मैं अपने बेस में ना दो अनुबीज को रखवाने वाला हूँ तो दूसरा अनुबीज ये रहा इसका वैसे लेवल वन ये एंड इसका भी लेवल ट्वेल्व हो गया तो धीरे धीरे वही अपग्रेड हो रहा है और इसके पास पावर्स वगैरह भी ठीक ठाक ही है एंड लास्ट अभी आपको याद होगा मेरे पास ये हेल्ज पेयर जो भी है इस ड्रैगन का नाम इसका मेरे को मतलब तो हमने इसको पकड़ा था लास्ट टाइम मेरे को इसका सैडल बनाने का एक बार देखिए कि इसका सैडल का कैसे बनता है अगर इसका सैडल मिल गया ना भाई मजा आ जाएगा वो काफी तेज उड़ता होगा उस चीज का सैडल कहाँ पे है और मेरे को ब्रॉन्ची का भी सैडल मिल सकता है भाई अठारह एंगट चाहिए यार मेटल एंगट सीरियसली इस गेम में ना बहुत मुश्किल होता है बनाना मैं आज के एपिसोड में सोच रहा हूँ यार एक और क्यों ना मेटल फार्म बनाया जाए मैं सोच ही रहा हूँ ठीक है बट यहाँ पे मेरे को उस चीज़ का सैडल चाहिए ये रहा इसका सैडल इसका साइडल बनाने के लिए मेरे को रिफाइंड इंगट चाहिए अब ये क्या होता है रिफाइन इंगट भाई मैंने नॉर्मल इंकट अभी ये मतलब भाई नॉर्मल इंकट बनाना इतना मुश्किल है तो ये रिफाइन इंगट बनाने में पता नहीं क्या क्या करना होगा भाई बहुत सारी चीज़ें और ये अल्ट्रास्पियर भी है एंड वेट सिंगल शॉट राइफल बट इसको रिलोड करने में टाइम लगेगा मुझे पता है ये इतने ईजी होगा नहीं और ये रिफाइंड मेटल एक्सेस अब ये रिफाइन कहाँ पर मिलता है इम्प्रूव फर्नेस आई थिंक रिफाइन मेटल आई थिंक मेरे को इसके अंदर से मिलेगा ओ oh, इसी से तो यूज कोल एंड ओवर एंड कोल टू प्रोड्यूस ओके okay, तो ओवर एंड कोल की मदद से मैं रिफाइंड इंगट बना सकता हूँ ओ भाई साहब मेरे पास वैसे अस्सी अस्सी टेक्नोलॉजी पॉइंट है तो ठीक है इसको बना देता हूँ मैं इसको अनलॉक करते ठीक है ये वाला इंप्रूव फर्नेस को इसको बनाने के लिए मेरे को सीमेंट चाहिए हंड्रेड स्टोन चाहिए और फ्लेम ऑर्गर पंद्रह चाहिए भाई ये बहुत सारी महंगी चीज़ें हैं बट ठीक है हम इसको बना के देखेंगे वैसे रिफाइनिंग इंगट कितना चाहिए भाई थर्टी रिफाइनिंग इंगट चाहिए तो भाई मेरे को मेटल ना बहुत सारा चाहिए होगा बट मेरे, मेरे मैं यहाँ यहाँ पे गन देख रहा हूँ राइफल गन मेरे को दिख जाए ये नॉर्मल है देखो मेरे को ना शॉट गन है ये मतलब नॉर्मल राइफल शॉर्ट गन है मेरे को ये नहीं चाहिए मेरे को अच्छी वाली चाहिए फिर ना इसको रीलोड करने में डेफिनेटली टाइम लगा लगता होगा और ये लिखा भी है टेक्स टाइम टू रीलोड दैट्स आई मैं इसको बनाऊंगा नहीं मे भी मेरे को मिल जाएगा कहीं पर और क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ ठीक है ये असेंबली लाइन ये एक और मिल रही है इससे आई थिंक इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है आ, बट ये ज़्यादा एमोनेशन प्रोड्यूस करता है ओके ठीक है और क्या क्या बन सकता है वैसे लास्ट एपिसोड में मैंने यहाँ पे फ्लपी पार्डवेयर भी अनलॉक करा था ये बना के देखेगा गाइज़ पाल बेड कैसा होता है आ, फ्लपी पाल बेड इसके लिए क्या चाहिए बट बनाने के लिए मेरे पास ओके okay, सामान तो है गाइस बना रहता है ठीक है जो पुराने वाले बेड्स हैं ना इनकी जगह पे हम लोग ये नए वाले बेड्स का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही बना देता हूँ ठीक है मुझे लग रहा है ये लोग मतलब अपने पैल्स इसी के ऊपर फिर बैठेंगे बट यहाँ पे जगह नहीं है एक काम करते हैं नीचे जाके ना मैं वो वाले तोड़ देता हूँ यानी इनकी जगह पे ये नए बनाते ठीक है तो मैं सारे नहीं तोड़ूंगा दो तीन ही हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे आते हैं सीधा बे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं बस अपना घर नहीं तोड़ना बेड तोड़ने ओके तीन बेड तोड़ दिए मैंने अभी के लिए तीन ही बनाते ठीक है तो एक बनेगा यहाँ पे बनेगा बन जा अरे भैंस की बनना ये पैल्स के लिए देखो ये इंपॉर्टेंट है उसको है ना नींद अच्छी आएगी उनको अरे बन तो रहा था अभी क्यों नहीं बन रहा ओके एक बन गया फिर एक और चाहिए क्या क्लोथ चाहिए इसके लिए दुनिया भर का और देखा अनुबिस आ गया अनुबिस बहुत तेज काम करता है तो गाइस अभी थोड़ी सी क्लोथ की जरूरत है एक काम करते हैं क्लोथ बना ही लेते हैं कितना बनेगा क्लोथ भाई दो सौ ऐसे इतना नहीं बनाना एक काम करते अपने अनुबिस को यहाँ पे बोल देते हैं अभी देखो अनुबिस कितना तेज बनाएगा ओ <laughs> भाई साहब अबे पंद्रह बीस तीस चालीस आ गया ओके थोड़ा सा तो दे दे मेरे को ठीक है मेरे को बाद में देखो जरूरत पो पढ़ने वाली क्लोथ की तो एक और बनाते हैं थे यहाँ पे बेड इनका यार कितने बेड एक साथ बन सकते हैं यार नॉर्मल ना मैंने यार तीन तीन तो यहाँ पे रहने चाहिए ना दो ही बना सकता हूँ मैं और बीच में भी मेरे को एक चाहिए यार ओके अब इसके लिए नेल्स चाहिए ओके इसने बना दिया क्या अरे भाई बस कर बस कर बस कर बस कर कैंसिल कैंसिल कर दे इसको। इतना ही चाहिए मेरे को अबे बस हो गया अबे ठीक है अभी बना ही देते ये सारा बना ही देगा वैसे अभी ट्वेंटी नाइन ही बचा है तो बना ठीक है भाई बना दे भाई वो तो बहुत सी काम करता है और अभी काम को थोड़े से नेल्स भी बना दे और भाई सिक्सटी नाइन इतना नहीं भाई मेरे पास तो इतने आर निकट है नहीं अभी नेल्स की जरूरत है तो एक काम करते हैं या uh, बाईस yeah, बना दे या स्टार्ट प्रोडक्शन चल बाईस नेल्स बना दे जल्दी से फोटी आ जाएंगी मैं ना इनके लिए गाइस बना के मतलब दे बना ही देते हैं ना और बाद में तो बनाए ना कभी ना कभी बनाना ही है तो ये इनके बीच में यार एक बिल होना चाहिए था ना ऐसा यार फिर ना बहुत सारी जगह चाहिए होगी मुझे बहस की अभी गाइस एक काम करते फिर ना बना ही देते यार इनके सारे के सारे नए बेड्स दिखे अगर नए बेड्स होंगे ना ये लोग अच्छे तरीके से सोएंगे और इतनी इनकी अगर अच्छी नींद होती है तो अपने लिए बढ़िया काम भी करेंगे ये लोग तो यहाँ पर काफ़ी बीच में जगह छोड़ना पड़ रहा है ओके कि यहाँ पर एक बन जाएगा फिर एक और इसी के साइड में यहाँ पे बन जाना चाहिए ओके गाइस तो टोटल मैंने यहाँ पे आठ तो बन गए अभी आखिरी का एक और बनाने का है ये ये वाले कोने में बनेगा बट यहाँ पे रस्ते में अजीब लगेगा का इधर इतने ही रखते ठीक है और बाकी के जो है वो ऊपर बनाते थोड़े से अभी मेरे पास है तो बना ही देते और टोटल मेरे को यहाँ पे बारह बेड्स की जरूरत है इधर के जो बेड्स हैं ना इनको डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है और इनकी जगह पे हम लोग यहाँ पे नए रखवाएंगे Let's go, ये हो गया एंड अभी यहाँ पे बना देते हैं, एक इधर बनेगा और इसके साइड में एक और यहाँ पे बनेगा लेट्स स्कोप एंड एक और बनाते हैं जितने हो सके बना ही देते गाइज कभी ना कभी तो बनाने ही है और अभी क्या ख़त्म हो गया ओके नेल्स ख़त्म हो गए इतने ही है भाई बहुत सारे बना दिए मैंने तो अभी इन लोगों के लिए कहाज़ मैंने काफ़ी मेहनत करी है सारे पैस के लिए मैंने नए बेड्स बनवा दिए अभी अभी ये लोग यहाँ पे आराम से सो सकते हैं इनको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा एकदम बढ़िया तरीके से नए बेड्स बन गए और उसी के साथ साथ मेरे को ना आज के एपिसोड में थोड़ी सी गोलियाँ भी बनानी थी क्योंकि मेरी जो ये वाली गन है इसकी गोलियाँ ख़त्म हो गई है मैं कितनी गोलियाँ बना सकता हूँ अभी कितनी बनेंगी अरे यार ओनली दो ओनली बीज बनेंगे भाई क्यों आई थिंक मेटल मेटल आई थिंक गाइज सारा खत्म हो गया होगा और वैसे भी गाइज मुझे मेटल से याद आया अभी मेरे पास ना गाइज काफी सारी लूट हो गई है मैं सोच रहा हूँ ना इस लूट को ना बेच के आते हैं मेरे पास अभी देखो ये क्रिस्टल ये काफी सारी ये चीजें हो गई है तो अभी मैं इन सारी चीजों को बेचने के लिए जाने वाला हूँ ठीक है अभी गेमर्स लगभग लग मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था वो मैंने सारा ले लिया है और अभी हम लोग ये सारा सामान जाके ट्रेडर को बेचने वाले हैं और मुझे काफी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि मैं ना उस ट्रेडर को भी कैप्चर कर सकता हूँ अपने इस पेयर के अंदर तो मैं उस ट्रेडर को भी अपने साथ मैं भी हम के आने की कोशिश करेंगे ताकि ना हर बार मेरे को वहां पे जाके ये सारा सामान उसको बेचना ना पड़े अगर वो मेरे मेरे पास होगा ना तो मैं सीधा उसको पे स्पॉन करके उसको सामान बेच दूंगा या उससे खरीद भी लूंगा लेकिन उससे पहले मेरे को एक बार अपने पोस्ट पर जाना पे बेस पे ताकि देखते वहां पर कितना आयरन वगैरह बन रहा है ये के, ही के काम चोर लोग काम ही नहीं करते यहां पर अगर आप यहां पर देखोगे तो इन्होंने कितना मेटल यहां पर रखा है एक बार देखते भाई एक भी नहीं यार जब मैं यहां पे होता नहीं तभी ये लोग काम क्यों नहीं करते मेरे को यार समझ नहीं आता आई मीन जब मैं आता हूं तभी ये लोग काम करते हैं अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल भी और नहीं है मेटल और भाई साहब क्या ही करूँ मैं मुझे लगा यार ना फिर यार ये बेकार है यार और मतलब ये फार्म जब मैं होता हूँ तभी यहाँ पे काम होता है और अगर मैं नहीं होता तो बट वेट ये बाकी के पैल्स कहाँ पे गए भाई यहाँ पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे दो ही पैल्स दिखाई दे रहे हैं अबे ये नल्ले कहाँ पे गए यार ये लोग नीचे क्या कर रहे तुम लोग अपना बेस छोड़ के भाई इधर कर क्या इसका मतलब जब मैं यहाँ पे नहीं होता ये लोग यहाँ पे टाइम पास करते रहते हैं ये देखो नीचे कुछ हो रहा है ये ये तुम लोग नीचे नीचे कर कर क्या क्या रहे रहे हो भाई ये कर क्या रहे नीचे? भाई गधो गधे ऊपर जाके काम करना अरे यार इनका गाइज मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा ये लोग करना क्या चाहते हैं भाई मैंने ना इनको पे अपने फार्म पे काम करने के लिए रखा और ये लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं नीचे यार मैं ना सोच रहा हूँ गाइज फिर मैंने ना एक और लोकेशन नया देखा था जहाँ पे अच्छा खासा और था हाँ ये वाला लोकेशन मैं ना यहाँ पे एक अपना नया फार्म अभी सेट करने की सोच रहा हूँ ताकि दो जगह से ना ओवर माइन हो गया ना तो अपने लिए बढ़िया होगा तो बट यहाँ पे अपना ये आ, डिक वाइज काम तो कर रहा है बट कोई भी ओवर यहाँ के ना उठा के रखवा नहीं रहा तो मेरे को भी ये उठा के ओवर रखवाना पड़ेगा तुम लोग यार सीरियसली काम चोर हो यार तो ठीक है यहाँ पे भी कितना बनेगा आठ ठीक है स्टार्ट प्रोडक्शन एटलीस्ट आठ तो बन जाएगा बट अभी यहाँ से मेरे को जाना है उस ट्रेडर के पास ताकि हम लोग थोड़ा सा उससे सामान कलेक्ट कर सके आ, सो लेट्स गो स्मॉल सेटलमेंट टावर और उसी सेटलमेंट टावर से मैं इनको कैच करने की सोच रहा हूँ वैसे ये ऑफिसर्स है यहाँ पे पी आई डी एफ ऑफिसर्स अगर इसको मारा तो मुझे लग रहा है ये मेरे को मारेगा मेरे को इसको कैप्चर करना है वो जो लाल वाला है ना उसको पहनने का है उसको कैप्चर करने का है देखते हैं कैप्चर कर सकते का हम लोग सो अभी इससे टॉक करके देखते हैं मतलब आ आगे इसके पास अभी इसको सामान बेचते हैं हेलो सर मुझे बहुत सारी चीज़ें सेल करनी है तो अभी देखो मेरे पास ये आठ प्रिशियस इंटरनल्स है ये जो भी है इसके आठ छः हज़ार आठ सौ मिलेंगे इसके छः हज़ार में इसके ढाई हज़ार इसके पाँच हज़ार इसके तीन हज़ार इसके बीस साठ डॉलर इसके तीस इसके दो छब्बीस हज़ार डॉलर्स में <laughs> भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या इतने पैसे इसके दो सौ ठीक है और क्या है मेरे पास ये भी है ठीक है जितना भी है ना यूनिक सामान ये इसका कितना मिलेगा मैं मेडिसिन का मेडिसिन मेरे पास काफ़ी सारी है आई डोंट थिंक सो मेडिसिन का कुछ देगा ये तो मेडिसिन नहीं बेचते बट मेरे को टोटल तो छब्बीस हज़ार डॉलर्स मिल रहे हैं सेल करते हैं भाई साहब कितना सारा पैसा मिल गया छब्बीस हज़ार आ गया ओके एंड ये मेडिसिन ओके इसके चार सौ मिल रहे हैं बट ये ठीक है अगर अपना कोई पैल इंजर्ड हो गया तो उसको मैं ना रिपेयर कर सकता हूँ इससे और इससे मैं बाय क्या क्या कर सकता हूँ लेट्स uh, सी बाय करके देखे क्या यार तुम लोग यार आयरन इंगट बेचो यार मैं बहुत मैं सारे पैसे देने को तैयार हूँ और मेरे पास अभी लगभग थर्टी फोर थाउजेंड डॉलर्स है ये रिंग ऑफ मस्जिद में बाय कर सकता हूँ बट नहीं इसको मैंने ऑलरेडी ना अनलॉक कर लिया तो ये रुम्म मेरे को नहीं चाहिए बट इससे एक काम करते हैं थोड़े से अंडे वगैरह हाँ अंडे का अंडे बाय करते ठीक है इक्कीस अंडे बाय करते थोड़ा सा इक्कीस मिल्क भी बाय करते बाद में मेरे को आना नहीं यहाँ पे और इसके साथ साथ वूल वगैरह भी मिल रहा है इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी चाहिए होता है तो एक काम करते हैं तीस इलेक्ट्रिक ऑर्गन बाय करते हैं बाद में यहाँ पर आने की जरूरत ना पड़े और फ्लेम ऑर्गन भी बाय करते हैं ये भी चाहिए होगा क्योंकि आगे जाके इन सारी चीज़ों की जरूरत है अरे यार हर बार मेरे को एक अरे यार एक एक बाय करना होता है ना मैं भूल गया तो ये भी बाय कर लिया मैंने ये अंडे भी बाय करते मेरे को लगा मैंने ऐड टू कार्ट करा है इसके लिए एक हज़ार लगेंगे ठीक है नो वरीज ये भी एक हज़ार इसके लिए फिर ये और लेदर भी थोड़ा सा बाय करते ठीक है कितना लगेगा लेदर के लिए तीन हज़ार ओके गाइज तो मैंने काफ़ी सारा सामान भी इससे बाय कर लिया जो मेरे को जरूरी चाहिए था वो सारा मैंने ले लिया बट ये पाल ऑयल ये बंदा बेचता नहीं है और वैसे भी मेरे को बोला गया था मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ बट uh, यार इसको मारा तो वैसे इसका लेवल 30 है वो बंदे मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये वाले इसको मारा तो गाइस गाइस कोशिश करेगा और अगर मेरे को ये लोग ये लोग पहले लगे ना तो मैं गेम को ना रिस्टार्ट कर दूंगा वापस से ठीक है शिट अबे मारना उसको शिट शिट शिट, शिट मेरा पाल्स पेयर खराब हो गया वो आ रहा है क्या वो oh, मेरे को वॉन्टेड लिखा आ रहा है मेरे ऊपर ओके okay, उसका हेल्थ उसका हेल्थ ख़राब करते ठीक है मुझे उसका काफ़ी हेल्थ ख़राब करना पड़ेगा उसको कुछ भी नहीं हो रहा है वट द हेल्थ के छत पे चलता हूँ मैं ओके okay, मेरे को इसको कैप्चर करने का रिंग ऑफ मर्सी पहन लूँ मैं कहाँ की रिंग ऑफ मर्सी पहन लेते हैं मेरे को इसको कैप्चर करना है प्लीज oh, कैप्चर oh, हो जा मज़ा आ जाएगा अरे नहीं समान कमान कमान On, मेरे पास ज्यादा नहीं नहीं है यार नहीं यार यार ये तीन ही बचे प्लीज कैप्चर हो रहा एक और आखिरी बार देखो मैं इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता मेरे पास दो ही स्पेयर बचे यार मेरे को ये गाइज आई थिंक नहीं कर सकता मैं ठीक है मैं अंगूठी पहन लेता हूँ उसको पहन ही देते हैं चल निकल से क्या देगा वैसे ओके दो सो क्वाइन दे रही है अभी ये तगड़ा अटैक हो रहा है उसको मार दिया ना मैंने दर्जा वैसे उसको पता नहीं चला मैं निकलू क्या यार से गाइज मुझे लग रहा है इस मुझे गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग वो काफ़ी खतरनाक है मेरे ऊपर वॉन्टेड आया है इसको मैंने कैप्चर करने की बहुत कोशिश करी बट भाई इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए बट अच्छा हुआ मैंने गेम को रिस्टार्ट कर दिया ना नहीं तो ये लोग मेरे को पेल देते बट ठीक है मैंने काफ़ी सारा सामान बाय कर लिया जिन सामान की मेरे को भी यहाँ पे ज़रूरत थी एंड अभी यहाँ से मैं वापस अपने बेस पे निकल लेता हूँ लेकिन यहाँ से पहले मैं अपने एक बार वापस ये वाले बेस पे निकलता हूँ देखता उन्होंने कितना ओवर वहाँ पे कलेक्ट करा है आई थिंक जब मैं यहाँ पे होता हूँ ना तभी ये लोग काम करते हैं अगर मैं वहाँ पे नहीं होता तो ये और नहीं बनता है हाँ यार मुझे लगा ना मेरे मतलब जब मैं यहाँ पे नहीं होता तभी ये लोग और बनाते हैं ऐसा नहीं है जब मैं यहाँ पे होता हूँ ना तभी और को माइंड किया जाता है यहाँ पे अभी कितना बनेगा चार और बनेगा देखा ये नहीं हो रहा है यहाँ पे तो लकड़ी यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ मेरे पास काफ़ी सारा वेट हो गया कपड़ा कपड़ा यार क्या रखवाऊँ मैं ठीक है अभी इसको लेके ही चलते अपने मेन बेस पे रखवाते हैं सो बेसिकली ये और फार्म तभी काम करता है जब मैं यहाँ पे खुद होता हूँ अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो ये लोग यहाँ पे माइन वगैरह नहीं करते ये इसका डिसएडवांटेज है यार ऐसा नहीं होना चाहिए अगर अपना गेम ऑन है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ओवर होता रहना चाहिए बट एनी वेज लोग अपने बेस पे वापस गए और मैं अभी यहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम में फ्लावर्स वगैरह मिले थे मेरे पास अभी टोटल कितने थिफ्टी थ्री इंगट हो गए एंड मैं अभी अपने साथ जो अंडे वगैरह लेके आया था ना वो भी मैं सारे यहाँ पे रखवा देता हूँ ये अपना खाने वाला चेस्ट है यहाँ पे सारे अपने अंडे जाएगा दूध जाएगा और अभी मैं ये फ्लेम वगैरह में ऑर्गन यहीं पर रखवा देता हूँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन में यहीं पर रखवाते ठीक है एंड अभी मैं कितने केक और बना सकता हूँ जितने बना सकते हैं बना देते हैं भाई कितना बनेगा केक ओके अभी दो केक और बन सकते हैं ठीक है भाई दो केक और बनवाओ यहाँ पर वैसे अभी मैं आज किसी को ब्रिड वगैरह तो नहीं करने का सोच रहा हूँ क्योंकि यार ब्रिड करने से ना अच्छा यही होता है ना हम लोग वहाँ पर खुद जाके को को पकड़े मेरे को वो चीज काफी बढ़िया लगती है और काम करते है। मैं यहाँ पे, पे।, तो पे जल्दी से इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दू मैं बुला देता हूं कम यहाँ पे बनाना शुरू कर दे चल हाइपर स्पेयर मेरे को चाहिए ओके चार जल्दी बन जाएंगे बट मेरे को ना वो अल्ट्रास्वेयर चाहिए यार वो अल्ट्रास्वेयर जब मिलेगा ना तब तो अपना काम काफी तेज होगा ठीक है मतलब मैं इजीली पकड़ पाऊंगा किसी भी पैल को उसके अंदर ये मैंने चार हाइपर स्पेयर ले लिए ये हम लोगों ने गाइस ये गेल क्लॉथ का ग्लोव बना दिया है तो ये चीज़ काम कैसे करती है बट और इसका ग्लोव है सैडल नहीं है Uh, तो लेट मी सी इसको अभी बाहर बुलाना पड़ेगा मेरे पास आई थिंक एक है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हाँ ये रहा तो मैं काम करता हूँ ड्रैगन की जगह पे ना ड्रैगन को कैसे अभी अंदर रखवाते हैं और इसकी जगह पे इसको लेते हैं ठीक है इसका वैसे लेवल 19 है एंड ये काफ़ी तेज़ उड़ सकता है तो इसको बुलाते हैं इसको मैं फर्स्ट टाइम राइड करने वाला हूँ तो क्या इसको ना राइड करके देखते हैं अभी देखते हैं ये कितना तेज़ राइड कर सकता है लेट्स गो आ जा मेरे ग्लोव्स ये आ गया अब इसको राइड कैसे करें चल आ जाओ नोबड़े हाउ डू आई राइड हिम ओके What? अबे मतलब जब मैं ऐसे डबल जम्प करूँगा ये मेरे को ऑटोमेटिकली उड़ा ले जाएगा अबे ये सही है आई मीन जस्ट एट दिस वो अबे ये सही है बट ये ना मेरे को इसे ऊपर उड़ा नहीं पाएगा मतलब मेरे को बस खुद को लॉन्च करने का है अगर मेरे को कहीं ऊपर जाना होगा ना तो ये मेरे को इसे ऊपर ले नहीं जा पाएगा ठीक है बस ऐसे फास्ट ट्रैवल करने के लिए यूजफुल है ओके okay, मतलब ठीक ही है यार मतलब मेरे को ना ऐसा ऊपर उड़ाने अगर मेरे को कहीं किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो वहाँ पे मेरे को चढ़ के ही जाना पड़ेगा तो ठीक ही है यार मतलब इसका फर्स्ट फास्ट ट्रैवल करने में यूज़ आएगा जैसे कि एक ये देखो यहाँ पे अगर मैं ज़मीन से नीचे होता हूँ तो ये मेरे को नीचे छोड़ देता है <laughs> बट सही है यार तो ठीक है बट ये इतना मेरे को खास नहीं लगा गाइस तो एक काम करते हैं इसको ना मैं बेस में वापस छोड़ देता हूँ मेरे को अपना वो ड्रैगन ही पसंद है वो काफ़ी तेज़ अपने लिए ना काम करता है तो कहाँ पे क्या इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं एंड अपना ड्रैगन को वापस बुलाते हैं ड्रैगन बढ़िया है भाई वो बढ़िया तरीके से अपने को उड़ाता है और ये वाला जो ड्रैगन है भाई इसका सैडल बनाने के लिए मेरे को फायर रिफाइन मेटल चाहिए वो मेरे को इतनी जल्दी मिलेगा नहीं एंड वैसे भी लास्ट एपिसोड में मैंने ये पेटालिया को भी पकड़ा था आ, ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है इसको अपने बेस से बुला के देखेगा एक काम करते हैं क्वायरिन को मैं अंदर भेजता हूँ एंड इसको बाहर बुलाते हैं आजा आप कोटालिया या जुबी नाम है दिखने में तो भाई ये बहुत प्यारी बॉस है ठीक है ओके वैसे लेवल ट्वेंटी सेवन है इसका आ, लेट मी चेक काम करते इसको अपने पास बुला के देखूँ क्या मैं वैसे इसका लेवल ट्वेंटी एट है अटैक तीन सौ चालीस है ठीक ठाक ही है अगर मैं इसको अपने साथ लेके गया तो आ, ब्लेसिंग ऑफ द फ्लावर स्पिरिट बबल ब्लास्ट कर सकती है सीड मशीन गन है ओके तो ये बहुत जल्दी ना तेज तरीके से प्लांटिंग कर सकती है यहाँ पे तो आई थिंक इसने प्लांटिंग भी कर दिया होगा ब्राउन चेरी एक्वा की पावर्स को ट्राई करने वाला तो मैं ब्रॉन्चेरी को बाहर बुला लेता हूँ चल जा जाओ चेरी और इनको पहनना शुरू करते चल देखते ये काम कैसे करता है मेरे पास वैसे ज्यादा गोलियाँ बची नहीं है मार इनको चल भाई एक हिट में मर गया वो भाई ये सही है लेट्स गो ब्रॉन्चेरी कमॉन पेल दिए उनको ये कौन डैमेज कर रहा है आई थिंक भैया किसने डैमेज करा ओके अरे सारे पेल दिए इसने अरे भाई गाई ये तो काफी पावरफुल है ब्रॉन्चे एक्वा ओके okay, भी पेल के देखे Wait, ये दो ड्रीम ड्रीम को भी पेलना है मार उसको जाके अभी देखो ये ड्रे ड्रीम को कैसे पेलता है ब्रॉन्चे एक्वा मार उसको. अभी मारना ना इसको मेरे को मार रहा है ये अभी देखो इसको कैसे पेलता है मर गया वो ओ भाई मर गया <laughs> क्रेजी इसको भी पहल देते भाई सभी को मार दिया इसने यार ब्रॉन्चेरी आक सीरीसली गाइज बहुत सही है और यहाँ पे क्या चीज़ है नहीं इसको छोड़ देते हैं मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम एक डार्क पैल देखा था वो पैल कहाँ पे है मैंने वो टॉम को यहीं पे देखा था टॉम टॉम कहाँ पे गया मेरा टॉमी टॉमी ओ वो रहा काइज 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 ये रहा टॉम मेरे को इसी को पकड़ने का है ये भी काफ़ी पावरफुल है ठीक है चल ब्रॉन्चेरी मेरे को ऊपर लेके चलियो अरे यार मेरा स्टाइम ना ख़त्म हो गया हाँ मेरे को इसको पकड़ने का है गाइज देखा अटैक करना शुरू भी कर दिया भाई ने इसको मारना नहीं है ठीक है स्पीयर्स ट्वेंटी वन परसेंट ये तो काफ़ी सस्ता सा है कैप्चर हो जाएगा आई थिंक ये ओके हुआ अरे नहीं ओके अभी हो जाएगा अगर इसको अभी एक भी ब्राउन ने भाई मारा ना तो भाई मर जाएगा मार मत हो जाए यार कैप्चर अगर तेरे को एक भी पड़ा तो मर जाएगा यार तू 42 50 फिफ्टी ओके हो, हो जाएगा कैप्चर गाइज लेट्स गो गाइज हमने इसको कैप्चर कर लिया टॉम बैट ओके टॉम टॉम बैट नाम है इसका ये भी काफ़ी तगड़ा पैर होता है और इसका वैसे लेवल कितना मैक्सिमम होता है पता, है पता नहीं बट इसको भी पकड़ लिया हमने ये ब्राउन चेयर आई थिंक ऊपर नहीं आ सकता चल मैं इसको वापस बुला लेता हूँ क्या मेरे को एक और टॉम वगैरह मिलेगा क्या मेरे को एक और को पकड़ना है दो तीन मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा म्यूज़िक बज रहा है इसका मतलब कोई मेरे पीछे पड़ा है ऐसा लग तो रहा है हु क्रेट्स अरे हु क्रेट्स पीछे पड़ा है गदे कहीं के निकल जाए यहाँ से इसके अंदर मैं आज से पहले कभी गया नहीं गए जाके देखे क्या देख के आते ठीक है पता नहीं कौन अंदर मिल जाए क्या नाम है वैसे यहाँ पे हिल साइड कार्बेन देखते गए इस अंदर क्या चीज़ है ठीक है और वैसे भी हम लोग अंदर में है तो वहाँ पे मुझे कोई डार्क पैल मिल सकता है एक और मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉस फाइट होगी यहाँ पे मैं बुलाता हूँ अनुबिस को आ जाओ अनुबीज देखते हैं यहाँ पे कौन माइका लाल छोना बन रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ अरे ये तो माओ है यहाँ पे पकड़े इसको बारस को मार उसको अनुबिस अनुबीज करके रहा है अरे नहीं यार पूरा नहीं मारना था भाई तू तो यार ज़्यादा मार रहा है इनको अरे एक सेकेंड एक काम करते हैं मैं ना ये ग्राफाइट जगह पे अपना ये वाला क्रॉस बोट यूज़ करता हूँ ठीक है और यहाँ पे ये चीज़ अरे यार पकड़े क्या गाइज़ मरना नहीं मरना नहीं मैं मार मत उसको पकड़ने का है सिक्सटी परसेंट ओके कैप्चर हो जाएगा प्लीज़ कैप्चर हो जाइए ओके हो गया और ये क्या चीज़ है इसको तोड़ के देखेगा वो ये कोल है ओह भाई और आई थिंक मुझे यही चीज़ चाहिए गाइज़ वो रिफाइन मेटल बनाने के लिए ओके okay गाइज मैं लेके चलता हूँ इसको ठीक है बाद में क्या पता मिल ले ना मिले थर्टी को लेके चलते हैं वैसे मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ जाएगा और कोई है यहाँ पे ओके okay, और कोई डार्क पैल तो दिखाई नहीं दे रहा है ये तो सारे नूबड़े ही है तो अभी अंदर जाके देखते हैं मुझे लग रहा है अरे एक और है ये इसको पकड़ेगा गाइज किला मारी ये यार दिखने में ना बहुत क्यूट सा है ओके अठारह परसेंट चल हो जाएगा कैप्चर अभी सामने की तरफ जाके देखते हैं मुझे लग रहा है मेरे को कोई ना कोई वहाँ पे दिख जाएगा तगड़ा पैल ओ भाई ये कैसा स्ट्रक्चर है ड्रैगन oh, का स्ट्रक्चर है इनको पहलते हैं सरप्राइज मेरे पास आखिरी की फोर्टी फाइव गोलियाँ बची है और अनुबिस पहल देगा भाई क्या लोकेशन है ओके okay, मर जाएंगे सारे भाई क्या सबको पहल दिया उसने इधर एक रास्ता जाता है एक रास्ता इधर भी जाता है मैं कहाँ पे जाऊँगा इधर जाके देखे मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे एक तगड़ा बॉस मिलेगा मेरे को हेलो कोई है मेरे यार गोलियाँ ख़त्म हो गई मेरे को उस चीज का डर लग रहा है बस भाई काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पे जा एक द हेल ओके इधर का रास्ता बंद है यहाँ पे कुछ मशरूम्स हैं इनको कलेक्ट करते थे कार्बन मशरूम्स सिंथेटिक ठग बहुत सारे यहाँ पे और भाई कितने सारे रास्ते जा रहे हैं मेरे को आई एम सो कन्फ्यूज एक रास्ता इधर जा इधर जाके देखे मे भी ना अलग अलग बॉसेस रहते होंगे इधर जाके देखता हूँ मैं ओ मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बॉस होएगा गाइस जाके ना उसको पेल के आते हैं वैसे मेरे पास एरोज कितने हैं एरोज आई थिंक मेरे पास काफ़ी सारे हैं ना मैं एक बार अपना क्रॉसबो देख लेता हूँ आई थिंक वी गॉट ओके तीन सौ ओके तीन सौ अस्सी आ है काफ़ी सारे हैं और अभी इधर जाके देखते हैं ठीक है मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बॉस होगा तगड़ा वाला माऊ ही दिखाई दे रहा है मुझे सामने की तरफ कहीं मैं घूम के वापस तो नहीं आ गया ना नहीं वापस नहीं आया मैं ये अलग जगह है हेलो माऊ यार मैं कहीं घूमना हो जाओ यहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है और कोल ओके okay, तो कोल इन्हीं के अंदर मिलता है ओके ठीक है समझ गया मैं मुझे बस अपना रास्ता याद रखना है मैं कहाँ से आया हूँ कहीं मैं गुम ना हो जाओ यहाँ पे एक चेस्ट है क्या पता इसके अंदर कोई तगड़ी चीज मिल जाए ओके okay, पाल्स पेयर थोड़े से सोल्स मिल गए पाल सोल्स अरे ये रास्ता आई थिंक इतना ही है और कुछ नहीं है क्या यहाँ पर अरे नहीं है कुछ भी आई थिंक मुझे उसी रोड से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आता आई थिंक मैं इधर से आया था ना भाई देखो मेरे को डर लग रहा है अगर मैं गुम हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं उसी रास्ते से आया था मैं सो अभी ना यहाँ पे जाके जो मेन जगह है ना जहां बॉस होगा अभी हम लोग वहां पे जाने वाले हैं क्या पता वहाँ पे कोई तगड़ा बॉस मिल जाए oh, भाई है ये ओके okay. वेलकम कैसे है आप, सर? जा उसको पेल क्या, भाई ये बड़ा डिनोसोम वैसे ज्यादा कुछ करेगा तो नहीं अरे नहीं यार नो मारना, मारना no, पसंद अरे नहीं यार अरे क्यों किस लिए यार? मारा उसको ठीक है बट मेरे को प्रेशियस स्टोन मिल गए यार उसको पेल दिया <laughs> कितना बड़ा था वो ओके और से बाहर जाने का रास्ता है बट यार अभी दो तीन लोकेशंस और ढूंढने बाकी है ना बट देखते हैं यहाँ पे ट्रेजर तो मेरे को तगड़ा मिल जाएगा यहाँ से वो रूबीज मिलते हैं बढ़िया वाले ओके ट्रेनिंग मैनुअल एनशियट ट्रेनिंग मैनुअल मिल गया एंशियंट ट्रेनिंग मैनुअल इससे क्या होता है लेजेंडरी uh, ट्रेनिंग मैनुअल भाई बुक दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स टेक्नोलॉजी फॉर एरिया गाइज 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 इससे मेरे को क्या मिलेगा टेक्निकल मैनुअल ओके टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलेगा एक ठीक है एक और है ये एक और मिल गया ओके टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिल गए मेरे को और ये ट्रेनिंग मैनुअल मैं अपने अनुबिक्स को सिखा देता हूँ बोसी को सिखा देता हूँ ठीक है ओके वी गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स अभी यहाँ से बाहर निकले ठीक है यार बाहर ही निकलते हैं क्योंकि मैं वापस entrance मतलब एंट्रांस मतलब एंट्री करूँगा डंजन के अंदर ठीक है सामने से क्योंकि एक और लोकेशन देखना बाकी रह गया था वैसे काफ़ी बड़ी जगह है मैं वापस तो यार ठीक है यार नहीं ना वापस नहीं जाते अभी क्योंकि यार वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और एक दो बॉस को पहल लिया हमको बड़ा सा डिनोसॉर्म दिखाया था यार मेरे को ना उसको पकड़ने का बहुत मन कर रहा था बट कोई नहीं तो हमको यहाँ से सीधा जाने का ठीक है इस तरफ मैं कभी नहीं गया यार मैं इधर गया ही नहीं ठीक है मैं मैंने बस ना ये जगह दूर से ही देखी है वहाँ पे कोई फास्ट ट्रेवल मेरे को दिख जाएगा तो इसी तरह से ना वो भी सामने की तरफ एक लोकेशन है वो भी काफ़ी नया लोकेशन है मैं वहाँ पे कभी नहीं गया तो मैं इन सारी लोकेशंस को अभी डिस्कवर करने की सोच रहा हूँ ठीक है यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कोई ना कोई तगड़ा पैल दिख ही जाएगा भाई तो यार कितना प्यारा बीच है यहाँ पे मैं भी फास्ट ट्रैवल मेरे को ना कहीं ना कहीं पर दिख जाएगा नया लोकेशन तो वैसे डिस्कवर हो ही गया भाई ये तो काफ़ी प्यारा और सुंदर सा बीच है सेलर ए को पकड़ेगा गाइज और वैसे भी अगर मैंने दस सेलर पकड़े ना गाइज अपने को बढ़िया सी ना टेक्नोलॉजी भी मिलती है मतलब एनर्जी मिलती है क्या बोलते हैं उसको एक्सपी मिलती है क्या बोल रहा हूँ मैं इसको पकड़ते मरना मत यार एक सेकेंड मेरे को अंगूठी पहननी पड़ेगी अंगूठी अगर पहनी तो ये लोग मरेंगे नहीं ठीक है रुक जा रुक जा रुक जा ओके और अंगूठी पहनते तो इनको लगता भी नहीं है ओके ए, ओके हंड्रेड परसेंट कैप्चर है भाई हंड्रेड परसेंट ये देखो इसको भी पकड़ते कहाँ गया अबे कैप्चर हो जा गधे ओके मेरे को भी कितने पकड़ने मेरे को भी भाई काफ़ी सारे सात और पकड़ने तब जाके मेरे को दस एक्स मिलेगी बट सात आई डोंट थिंक सो मेरे को यहाँ पे मिलेंगे अगर मिल गए तो हम लोग पकड़ लेंगे ठीक है ओके एक और सामने की तरफ है दो को एक साथ पकड़ते हैं ठीक है मरना मत मैंने वो अंगूठी पहनी है हंड्रेड परसेंट कैप्चर रेट भाई तू भी आ जा कहाँ पे भाग रहा है नूबड़े कही है चला यहाँ पे आ जाओ यार ये वाला बायोम सिर इसलिए काफ़ी प्यारा लगा मुझे हंड्रेड परसेंट कपच्चर रेट ओके पाँच पकड़ लिए पाँच और चाहिए आई थिंक मुझे एक्स मिल जाएगी तगड़ी सी ये भी एक और है यार काफ़ी सारे यहाँ पे मेरी ओनली सत्ताईस गोलियाँ बची है ये भी पकड़ में आ जाएगा सॉरी ब्रो कैप्चर चल जल्दी कैप्चर हो जा मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा ओके okay ओ भाई कैप्चर सक्सेसफुल मेरे को 801 एक्सपी मिल गई नाइस nice! अरे ये सही है और नीचे की तरफ मेरे को एक दिखाई दे रहा है यार ये वाला भी सीरियसली बहुत ही प्यारा है यार बट यहाँ पे फास्ट ट्रैवल नहीं है क्या ओके मेगा स्पेयर मिल गया बहुत बढ़िया एक बार देखता हूँ फास्ट ट्रैवल यार पूरे आइलैंड पे फास्ट ट्रैवल कहीं पे भी नहीं है इसकी भैंस की यार मेरे को यहाँ पे ना चल के आना पड़ेगा फिर हर बार यार काफ़ी प्यारा और सुंदर सा बीच है आई आई लव दिस प्लेस सीरियसली बहुत प्यारी है और यहाँ पे और कोई पैल मिलेगा क्या मुझे आई थिंक और भी पैल्स होंगे वो यहाँ पे कटिपा भी घूम रहे हैं यार बहुत सुंदर जगह यार एकदम प्यारा सा बीच बना रखा है मेरे को अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें देखी ना ये मेरे को सबसे प्यारी लोकेशन लगी और यहाँ पे ये डियर भी रहते हैं इनको पकड़े क्या एक बार देखे पकड़ के एक सेकेंड गोली नहीं अपनी स्पेयर इनका यूज़ करते हैं जाओ उनको मार क्या मर गया भाई वो सॉरी इसको भी पेल्चन ओ भाई मर गया ये भी ओके मेरे को थोड़े से हॉर्न मिल गए ओके इनको मारने से हॉन्स मिलते हैं बट मेरे को कैसे वो फ्रूट वाला ट्री चाहिए जहाँ पे ना वो तगड़े तगड़े फ्रूट्स मिलते हैं स्केल वाले फ्रूट्स वो अभी तक तो मेरे को यहाँ पे दिखे नहीं है ये जो नई लोकेशन है काफी खतरनाक लग रही है अभी कैसे इसी तरफ जाके देखते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पे हमको नए पैल्स मिलेंगे बस फास्ट ट्रैवल मिल जाए यार अगर फास्ट ट्रैवल मिल गया ना वापस आने में थोड़ा सा ईजी होगा नहीं तो ये काफी दूर जाना पड़ेगा मेरे को उड़ के जगह देखने में तो गाइज काफी डरावनी है भाई वहां पे काफी सारे स्क्रप्चर्स पड़े ओ भाई मुझे लग रहा है पे तगड़े पैल्स मिलेंगे देखते तो ये कौन ओ क्विट वेट वेट क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर वे क्या है वे कौन सा क्रिमिनल क्या क्या मैंने तो कुछ किया नहीं है ओ इज हैपनिंग ओके भाई कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी वही यहाँ पे तो घूम उमरे है अरे ठीक है मैंने देखो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है मेरे ऊपर अटैक मत करना ओ शर्ट पहलना ही पड़ेगा इसको मारो उसको चल ओ मर गया भाई सॉरी पेंकिंग आई सॉर मिल गया ओ कुछ फ्लावर्स मिल गए रेड फ्लावर्स कौन कौन रहता है वैसे यहाँ पे आई थिंक मैंने उस बंदे को मारा है दैट्स अभी भी मेरे ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी लिख के आ रहा है क्या हो ये रहा ग्रीस बोल्ट मेरे को चाहिए ये अरे भाई मार उसको एक अनुभीज, जा अनुभीज, उसको इसको पकड़ देगा इस बोल्ट को। इसको अगर मैंने किसी के साथ मीट कराना भाई तगड़ा पैल पैदा होगा मार मत उसको मारना मत अरे मार क्यों दिया भाई मार क्यों दिया मारना नहीं था उसको अरे यार अभी एक और मेरे का क्या मुझे यार अनुबीज ने उसको मार ही दिया सीधा ये क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर काफी अजीब सा लग रहा है मुझे लग रहा है ना मैंने उनको ना दैट्स वाइ

Uh, कितनी बड़ी जगह है वैसे ये वो काफी बड़ा मैप है यहाँ पे फास्ट ट्रैवल नहीं है क्या आने का मैं दूसरी तरफ गा के देखना चाहता हूँ ठीक है गोल्डन डियर प्लीज रुक जा! ओके इसको मैं पकड़ूंगा ठीक है टेरा नाम है इसका ओ शेट आ, एक सेकेंड ब्रॉन्ची आ, आ जाकेटरेस आ जा उसको पेल सा बस इसको मारना मत ठीक है ओके मारना मत, मारना मत उसको ओ अरे क्या हो गया ओके ओके okay, हाँ पकड़ में आ रहा है मैंने कुछ अलग बटन दबा दिए अरे दो परसेंट एक सेकेंड दूसरा बॉल इसमें तो आ ही जाएगा पकड़ में तेरी भैंस की चल आ जा भैया गोल्डन मिल गया गोल्डन घोड़ा इसका कुछ अलग सीन होता है क्या ये करता क्या है बट सेम ही होता है ये आई थिंक बट इसका कलर अलग है यार गोल्डन बढ़िया लग रहा है ना दिखने में वो एक और है क्या अरे एक और है ओके ज्यादा फिर से रेयर नहीं है फिर इसको भी पकड़ते ठीक है चला आ जा आ, जा ब्राउन चेरी तू जाके उसको पेल जरा सा पावर दिखा तेरी ये पेल देगा उसको मारना मत पूरी तरीके से मत मारना मार दिया भाई मार दिया भाई इट्स सो पावरफुल एक काम करते मेरे ये okay, केस का मीट खा लेते यार और इनको भी खिलाते ताकि मेरा थोड़ा सा वेट कम हो जाओ ओके हो गया हल्का वेट मेरे को तभी सोचो मैं इतना वेट कहाँ बढ़ रहा है मेरे को हॉर्न वगैरह मिल रहे हैं दैट्स वाई यहाँ पे एक और चेस्ट है बट ये इतना रेड रेड क्यों है यार यहाँ पे कितना अजीब सा लग रहा है ये वापस से ओवरवेट हो गया मैं काम करता हूँ कुछ है मेरे पास ओके तो... okay, एक सेकेंड मेरे को एक और नया वो स्किल वाला फ्रूट मिल गया अनूपिस को ही खिलाते हैं लाइटनिंग स्टिक नया स्किल सीख लिया इसने मेरे को ये फ्रूट चाहिए और ये टेक्नोलॉजी एंशन पॉइंट मिल जाएंगे ये ट्रेनिंग मैनुअल कैटरेस को सिखाते हैं अनुबिस को सिखाते हैं मैं अनुबिस को ना पूरी तरीके से फुल्ली पावरफुल बनाना चाहता हूँ जितना हो सके मेरे पास यार ये फालतू का सामान क्यों है ये इसको ड्रॉप कर दो भाई खाम खाँव बकवास चीज़ मेरे पास पड़ी है पे आई थिंक बादल आएगा दैट्स ऐसा लग रहा है बट ये क्रिमिनल एक्टिविटी कितना अजीब लिख रहा है भाई यहाँ पे यार वैसे इतना ही है ठीक है ज्यादा कुछ मेरे को मिला नहीं बट वो एटलीस्ट डियर तो मिल गया वो ये हम लोग गेमर्स अपने बेस पे आ चुके हैं वापस और अभी जल्दी से जाके ना मैं वो गोल्डन घोड़ा देखना चाहता हूँ भाई वो काफी खूबसूरत दिख रहा था दिखने में गई सीरियसली ये बहुत खूबसूरत है यार पूरा गोल्डन टाइप का घोड़ा है और अभी क्या अपना पाल बॉक्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं ओके एक बार ना इस पाल बॉक्स को अभी मैं अपग्रेड कर देता हूँ बहुत दिनों के हमने इसको अपग्रेड ही नहीं करा तो यहाँ पे इसको अपग्रेड करते कैसे भाई V2 टू अपग्रेड या अपग्रेड करते एक हो गया तेरह चौदह ओके लेवल फोर्टीन का हो गया अभी मैं मैक्सिमम वैप फिफ्टीन को रखवा सकता हूँ अपने बेस पे भाई दो और आ जाएंगे आ वैसे यार बेस पे मुझे ज़्यादा वैसे काम करवाना नहीं है तो रखवाने से मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है ठीक है बट फिर भी मैं अभी जो मैं नए पैस लेके आया था ना ये खिल मारी ये करता क्या है इसको लाते हैं ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है वैसे अभी ये खिल मारी आ गया अभी इससे हम लोग काम करवाएंगे वैसे भी गाइज अभी मैं अपने बेस पर वापस आ गया तो काम करते हैं मेरे पास अभी जितना भी सामान था ना वो मैं स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर स्टोर करवाते बट जगह नहीं है एक काम करते मैं ना एक बॉक्स बना ही देता यार स्टोरेज बॉक्स यहाँ पर ठीक है ये स्टोरेज बॉक्स यहाँ पर रहेगा चलो भाई जल्दी से इसको बना दो कमान सारे आके अभी इसको बनाना शुरू कर देंगे अनुबिज होता तो भाई बन भी जाता चलो एक और बना दो इस बार काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं ओह शेड गाइज इस बार काफ़ी सारा काफ़ी सारा नहीं काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं खाना दे दो तो मेरे पास थोड़ा सा ये पालसोस भी रखवाते ओके okay. अभी इनको गाइस पहनना पड़ेगा मुझे ठीक है काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे लोग ये थोड़ा सा डर तो लग रहा है मुझे पर तो देखते हैं ओ वही ये क्या चीज है रात में ये कितने डरावने लगते हैं ना आ, एक सेकेंड एक काम करते हैं अनुबिस को ही बेचते है कमान अनुबिस पहनना शुरू कर दियो अरे ये सिंथेटिक ठग वाले है क्या ओ भाई ये काफी डरावने लग रहे हैं यार एक तो यार मेरी गोलियां खत्म हो गई ना वो प्रॉब्लम है अभी बहुत खतरनाक पेला पेली होने वाली है यहाँ पे ओ शर्ट मुझे लग रहा है लोग पेल देंगे सबको कैप्चर करके रखे कहीं किसी को सबको पेल दिया oh सबको मत मारो यार मुझे पकड़ना है किसी एक को। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे बंदे पेल रहे <laughs> जीत गए भाई <laughs> भाई ये था क्या वर्ड ये लोग कौन थे ओके okay, राइफल एमोज मिल गई दुनिया भर की भाई सबको पेल दिया मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा गाइज <laughs> हम लोग ना बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं भाई इजीली पेल दिया और वैसे भी मैं ये वाला बॉक्स बना रहा था भाई ये सामान रखवाने के लिए ये कपड़े वगैरह रखवा रहे थे ठीक है सीमेंट वगैरह ये क्लोथ में अपने साथ पता नहीं क्यों लेके घूम रहा हूँ मेरे को एक और ट्रेनिंग मैन्य मिल गया ये ब्राउनचर एक्वा को कुछ सिखाते हैं एंड थोड़ा सा अनुभ को ये वाला बॉस आज के एपिसोड में हम इसको पकड़ने वाले हैं देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को बिकॉन नाम है इसका ठीक है वो सीधा वहीं पे चलते हैं अपने ड्रैगन को लेके और हम लोग आज उसको पकड़ेंगे वैसे वो कहाँ पर रहता है आ, पीछे इस तरफ जाना है मुझे वैसे अंधेरा हो गया डर तो काफ़ी लग रहा है मुझे बट इट्स ऑल राइट ऑन आ जाए मेरे ड्रैगन वैसे यार मुझे उस डियर को अपने साथ लेके आना था बट नहीं आया वो ओ, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है मेरे को रात में ट्रैवल करना ये रहा गाइस बीकन और अभी ये सो रहा है अरे अंधेरे में सो का रहा है चल तेरी शामत आ चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारा मेटल भी है और गाइस आज हम इसी को पकड़ने वाले ठीक है वो तो वैसे सो रहा है रात में बट अनुविस को बुलाते हैं चलो अनुविस पहनना शुरू कर दियो ठीक है डर तो लग रहा है मुझे इसको पहनने में ओ oh! ओ oh, भाई डैमेज तो तगड़ा अरे उड़ने वाला पैल है भाई इसका सैडल मिल गया ना तो मजा आ जाएगा डराना तो लग रहा है मुझे और बॉस है भैया ओ इलेक्ट्रिक बॉस है भैया oh! अनुबिस पेल उसको शिट ओके करंट दे रहा है मेरे को गधे कहीं के भैया उड़ सकता है ओह oh, शिट एक सेकंड अनुबिस नहीं मेरे को दूसरे को भेजना पड़ेगा ओके ओ कम ऑन कैटरेस उसको डैमेज दे तगड़ा बस मारना मत उसको ठीक है ओके डैमेज कैटरेस तगड़ा दे रही है उसको ऑलमोस्ट गाइस पकड़ में आ ही जाएगा शिट 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 काफी डैमेज आ रहा है ऑन कैटरेस मार उसको बस पूरा मत मारना ओ नो नो शॉक लगा शॉक लगा मरना मत मरना मत कैटरेस आई थिंक उसको मार देगी गाइस मारना मत उसको ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके गाइस कैप्चर हो जाएगा कम कम ऑन ऑन कम ऑन कैप्चर हो जा फोर्टी नाइन हो गया कैप्चर यस गाइस भी कौन को पकड़ लिया oh, भाई let's go, भाई साहब लेट्स गो गेमर्स ने काफ़ी मदद करी मेरी थैंक यू सो मच और ये उसका लोकेशन है जहाँ पे वो रहता है भाई पहले ना मेरे को दिखाई नहीं एक्चुअल में ये कहाँ पे रहता है ये पत्थरों के बीच में यहाँ पे रहता है और यहाँ पे काफी सारा मेटल भी है तो ये लाइटनिंग काफी बढ़िया करता है और उड़ता भी काफी तेज है Uh, तो इसको मैं बुलाता हूँ यहाँ पे ठीक है बट अभी ये आए सो सीधा सो जाएगा आई थिंक आके यार बट क्या ही प्यारा लगता है ना आई I मीन mean, ये इसके ऊपर उड़ने में ना मजा आएगा इसका सैडल बना सकता कि मैं अगर इसका सैडल मिल गया ना मज़ा आ जाएगा फिर हम लोग इसको राइड करेंगे इसका सैडल क्योंकि ये काफ़ी तगड़ा डैमेज भी करता है ना दैट्स सॉय मुझे लग रहा है इसका सैडल मुझे मिल जाएगा और ये इसका भी सैडल है भाई वो गोल्डन घोड़े का ओके okay, बट मेरे को इसका सैडल चाहिए इसका सैडल मिलेगा क्या अरे है थर्टी फोर लेवल ओ मैं वो बना सकता हूँ मैं गाइज मैं इसका साइड अनलॉक कर लिया ठीक है मेरे को बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ऑर्गन चाहिए भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है इसको ना गाइज हम नेक्स्ट एपिसोड में राइड करेंगे सो so, आज के पैल वर्ल्ड के वीडियो में इतना ही था आई वोडियो पसंद होगा आज हमने भाई काफी सारे नए पैल्स को पकड़ा और गाइज मैं ना इस घोड़े को गोल्डन घोड़े को और किसी और पैल को ना ब्रीड करके देखना चाहता हूँ इसको और में भी अनुभि को देखते इससे ना कौन सा पैल बनता है काफी तगड़े वाले पैल्स बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा है अगर आपके कुछ आइडियाज है नीचे कौन से बता दो एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो बाईस